जी बॉयज आज हमने करने हैं जी दो काम, क्योंकि हमारी सिर्फ दो उंगलियां फ्री हैं, बाकी दोनों जो है वो बंधी हुई हैं। तो पहला काम ये है कि जी हमने जाना जी वर्कशॉप, और वर्कशॉप जाके चेक करना है जी हमारी गाड़ी के क्या हालात हुआ क्या है और क्या सीन चल रहा है जी प्रोजेक्ट जहाज का। और दूसरा काम ये है कि प्रोजेक्ट जहाज के हमने सीटें और डैशबोर्ड वगैरह कोशिश के लिए दिया था। तो जी भाई आज की अपडेट के ऊपर आए तो गाड़ी को फाइनल पुटीन की लेयर की जा रही है ताकि गाड़ी के जो 100% एक फिनिश है वो कंप्लीट हो जाए। गाड़ी के अंदर जो है वो लुक या ऑटो शील्ड जो भी हम कहेंगे वो भी लग चुकी है, और ये गाड़ी का छत भी फुल मज़ेदार किस्म का तैयार हो गया। और आज रियली गाड़ी को देख के लग रहा है जी जो हमारे 3 महीने लगे हैं ना वो आज उनके पैसे पूरे हो गए हैं। ऑल थैंक्स टू आवर भाई, थैंक यू। बॉयज धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी है और गाड़ी का हमने पता लगा लिया, अभी चलते हैं। हाथ को थोड़ा सुकून आया, अभी हमने जाना है जी किसके पास जाना है, कोशिश वाले के पास, और वहाँ से जाके अपना डैशबोर्ड कलेक्ट करना है और फ्रंट दोनों दरवाजों के गत्ते रहते हैं वो भी पिक करने हैं। लेट्स गो। Here we go. हमने चीजें अपनी उठा ली हैं, बट द वर्स्ट एवर पर्सन जिससे भी मैंने कोई काम कराया वो है जी ये इमरान कार पोशिश, द वर्स्ट पर्सन जिससे आप कभी भी कोई काम करवा सकते हैं। हम घर में सारा सामान रखने के बाद अपने क्लिनिक पर पहुंच चुके हैं। तो अभी का सीन ये है कि पहले मैं सोच रहा था कि यार आई शुड नॉट मेक अ वीडियो अबाउट देम, पर आज के सीन के बाद मुझे लगता है कि आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट देम, क्योंकि शायद मेरी इस वीडियो की वजह से कोई इस जलालत से बच जाए। तो उससे पहले आप ये वीडियो चेक करें ताकि आपको एक क्लैरिटी हो कि व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। जी बॉयज सबसे पहली प्रॉब्लम की तरफ आए तो वो ये है कि जी डोर कार्ड्स की इनर स्ट्रिप्स जो हैं, वेदर स्ट्रिप्स जो होती हैं, वो 3 स्ट्रिप्स इन्होंने घूम कर दी हैं। दूसरा मसला ये है कि ये आप देख सकते हैं जी इन्होंने अपनी तरफ से गाड़ी की कोशिश की है सीटों की, और सीट का नीचे से सारा फोम जो है वो नज़र आ रहा है, और ये इन्होंने काम किया हुआ है। इस सीट में भी ऐसे है। अभी तीसरे मसले की तरफ आएँ तो ये आप देख सकते हैं ये जो कर्व है ये कर्व ही सीधा नहीं है इनका, इधर से कम है इधर से ज्यादा। तो जी बॉयज नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आए, तीसरा मसला ये है कि ये जो डैशबोर्ड है अभी डिलीवर हुआ है, ये देख सकते हैं आप डैशबोर्ड जो है वो 1-2 यहाँ से लेके ये देखें, ये उतारने के लिए जो भी किया हुआ है ये सारा डैशबोर्ड यहाँ तक, और ये 3-4 नंबर ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फ्रेश टूटा हुआ है यहाँ से। और ये भाई कह रहे हैं जी आपने पहले ही टूटा हुआ दिया था डैशबोर्ड, आप चेक कर सकते हैं यार मुझे इसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हाँ जो चीज़ इन्होंने अच्छी बनाई है उसकी मैं तारीफ भी ज़रूर करूँगा, बैक सीट्स जो हैं वो अच्छी बनी हैं, डोर कार्ड्स भी कह सकते हैं 70-80% अच्छे बने हैं, और अगर हम फ्रंट सीट्स की बात करें तो ओके हैं, बट अगर हम डीप डिटेल्स में जाएं तो वहां पे भी काम खराब है सारा। शुरू से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जब मैं इनके पास पहुंचा तो हमारी डील डन हुई कि 27,000 रुपये में ये डोर कार्ड्स डैशबोर्ड और सीटें कोशिश करके देंगे मुझे। तो 2 वीक का टाइम दिया, 2 वीक के बाद आपको सारी चीज़ें कोशिश होकर मिल जाएंगी। 2 वीक के बाद जब मैं इनके पास पहुंचा तो गाड़ी की सिर्फ बैक सीट्स कोशिश हुई थी, इसके अलावा और कुछ भी कोशिश नहीं हुआ था। और इसी के साथ मसला ये था कि मैंने इनसे कहा था कि जी मुझे गाड़ी के ओरिजिनल कवर वापस चाहिए,
क्योंकि वाइट कलर हम करवा रहे हैं, जब ये ख़राब हो जाए तो हम वापस वो डाल लें, यू नो जेन्युइन थिंग्स वाला सीन जो भी है। तो इन्होंने वो गायब कर दिए, पता नहीं कहाँ किए, आई डोंट नो, बट ये कहते हैं जी हमने फेंक दिए। हम फेंक देते होते हैं, आप हमें लिखवा के जाते हैं या आप पास खड़े होकर उतरवा के ले जाते हैं। तो एट दैट टाइम इन्होंने बैक सीट्स का काम कुछ अच्छा किया हुआ था, तो मैंने कहा यार कोई सीन नहीं है, चले हम दोबारा बनवा लें। दो वीक्स के बाद जब मेरा दूसरा चक्कर लगा इनके पास, तो उन्होंने गाड़ी की फ्रंट दो सीट्स पोशिश की हुई थी और दो डोर कार्ड्स पोशिश किए हुए थे, बाकी दोनों डोर कार्ड और डैशबोर्ड फिर पोशिश नहीं था। और इसके साथ दूसरा मसला भी खड़ा था, इन्होंने डोर कार्ड्स की इनर वेदर स्ट्रिप्स जो है वो तीन वेदर स्ट्रिप ही गायब कर दी हुई थी, और ये कह रहे थे कि आप देख ही नहीं गए। काफ़ी देर की बहस के बाद और वीडियोज दिखाने के बाद इन्होंने कहा जी हम आपको हमसे गुम हो गई हैं, तो हम आपको इसकी कंपनसेशन पे कर दें। उसके दो से तीन वीक के बाद जब मैं आज इनके पास अपना डैशबोर्ड वगैरह कलेक्ट करने गया, तो डैशबोर्ड आप देख ही सकते हैं कि इन्होंने चार पांच जगह से तोड़ दिया हुआ है, और इनका जवाब यह था कि आप देखे टूटा हुआ गया। और अब मेरे पास इसकी ओरिजिनल वीडियो भी नहीं थी जिसमें नहीं टूटा हुआ था, तो मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था इनको दिखाने के लिए, तो बस बहस करने के बाद मैं चीजें उठा के ले आया। इस कहानी का मकसद यह है कि जब भी आप किसी से नॉट ओनली दिस गाय, किसी से भी कोशिश करवाने जाए या अपना कोई भी काम करवाने जाए, तो आप अपनी जो भी चीजें इनको दे रहे हैं उसकी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, कहीं से ब्रेक नहीं है और क्या क्या चीजें इनको दे रहे हैं, उसके बाद इनको भी वीडियो में लें कि ये चीजें मैं आपको दे के जा रहा हूं और ये चीजें देख लें इस हालत में है, और मुझे इससे अच्छी हालत में वापस मिल जाए, लेकिन इससे हल्की हालत में वापस ना मिले, ताकि आपके पास एक एविडेंस हो कि आप किस हालत में इनको चीजें दे के जा रहे हैं। जस्ट फॉर योर सेफ्टी कर लो तो अच्छा है। और आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।